ये इन्होंने मुझे ला के सर्च किए भाई, ये ले वो एक उड़ गया इनके ऊपर से बच्चा। इसके अंदर कॉमन एवरीवन, सब मेरे दोस्त कैसे हैं, सब मेरे प्यारे प्यारे भाई कैसे हैं। भाइयों मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट और वंस अगेन अहमद भाई मेरे साथ। अहमद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। अहमद भाई के दूसरे सेटअप पे हम लोग खड़े हुए, मतलब जो बाहर बर्ड दिखाए थे वो अलहदा थे, अब हम आ गए अंदर वाली साइड पे। और खाली अहमद भाई नहीं, किंग ऑफ कॉकटेल पंजाब के अंदर कहना चाहिए इनको, 100+ पेयर इनके पास लगा हुआ है। अहमद थोड़ा इस तरफ होंगे आप, और मैं भी थोड़ा इस तरफ होता हूँ, और वो पीछे देखें अहमद भाई के कैसे लगे हुए हैं माशाल्लाह। वो तो वो लगे हुए इस तरफ अलहदा लगे हुए हैं। तो अहमद भाई कितने पेयर इस टाइम अवेलेबल है ऑन दी स्पॉट आपके ऊपर, टोटल कितने पेयर लगे हुए हैं? 100+ है, 100+ माशाल्लाह लगे हुए हैं। तो मेंटेन किस तरह करते हैं, कितने बंदे हैं आपके पास? एक ही है। एक बंदे, सारा दिन यही उनका काम है, सुबह से शाम तक आप दोनों मेहनत करते हैं? हाँ जी सही है। एजाज भाई ये दिखाएं जरा क्या डाल रहे हैं आप केले केले, ऐसे में टोकरी दिखाएं जरा। ये अहमद भाई आ जाओ जरा पास, ये स्वांजना है, ये स्वांजना है। हाँ जी, ये क्या चीज है? ये स्वांजना का दरख्त है, उसके पत्ते हैं ये पकड़े हुए अहमद भाई। अच्छा इसका क्या फायदा है अपना? तो फायदा है इसमें काफी कुछ है, एंटीबायोटिक भी है, गरम भी है, एंटीबायोटिक है इसमें, बड़ी काफी चीज है इसमें। तो ये किस तरह डालते हैं आप, डेली डालते हैं या हफ्ते में एक बार डालते हैं? हफ्ते में दो दिन, फिर से सुखा के ना एग फूड में भी डाल देते हैं। एग फूड में भी यही डाल देते, ड्राई करते हैं खुद, ड्राई करते हैं फूड ड्राई करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम, ये मतलब सर्दियों में कितना टाइम देते हैं, गर्मियों में कितना टाइम देते हैं? गर्मियों में हफ्ते में एक दो मरतबा, सर्दियों में चार दिन। चले आगे चलते हैं बातें करते करते। अच्छा ये क्या लगा हुआ है सारा यहाँ पे? सारा कॉकटेल है, इनो और फेलो और 140 वगैरह। तो इतना प्यार कॉकटेल पे कैसे आता है आपको? मैं जब भी आता हूँ कॉकटेल पे ढेर लगाता है, वो मिकी माउस फेस में होता है, कभी एग्जीबिशन फेस में। और एक तो मैं देखा था जिसके इतना बड़ा क्रस्ट था पूरा ऐसे उठा हुआ था ऊपर, अभी तक आपके पास कितने साल तक है ना तुम ब्रीड करते हैं? ये 15-16 साल से। इसके केज का मुंह खोलें जरा, बाहर निकलने का और तो रास्ता नहीं ना? नहीं ये ना यहाँ से निकले सीधा आगे पीछे हो जाए। कितने साल तक? ये 16-17 साल तक ब्रीड कर जाता है, अगर इनकी एज पूरी करके लगाया हो। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये पेरेंट्स जो हैं वो कॉमन है और जो बच्चे हैं वो इनो है। इसके नीचे मैंने अंडे फोस्टिंग भी किए हुए थे, इसके अपने बच्चे भी, इसके बच्चे मैंने फोस्ट कर दिए थे। ये तो वही उसी तरह हो गया ना जिस तरह फ्रेंचाइज का बता रहे थे, फ्रेंचाइज के अंदर आप वो करते हैं। हाँ जी फ्रेंचाइज के अंदर यही करते हैं ना। हाँ जी, तो इसके अंदर भी यही चीज है। अच्छा कॉकटेल के अलावा देखते चले तो यहाँ पे एग्जीबिशन का बड़ा बड़ा साइज लगा हुआ है, एग्जीबिशन भी बड़ा हुआ, होगो भी और ट्रस्ट वगैरह पड़े हैं। ये होगो रोम हुआ है, एग्जीबिशन है, होगो भी है, एग्जीबिशन भी है और ट्रस्ट भी है। वो बैक साइड पे एग्जीबिशन है, ये फ्रंट पे होगो बैठे हुए हैं, इसके अंदर रेड आइज में भी है एग्जीबिशन, रेड एज एंड ब्लैक के सारे मिक्स। और फैलो में भी एग्जीबिशन है आपके पास? नहीं फैलो में नहीं। अच्छा उसकी आंखें बंद है, टीसीबी। अच्छा टीसीबी क्या है अहमद भाई, मुझे आज तक समझ नहीं आई मुझे इसके बारे में। टीसीबी जिसमें फैलो होते हैं ना जी, फैलो में ये ब्लैक आइज होंगे, फैलो के अंदर ब्लैक आइज होंगे, टीसीबी उसको कहते हैं। सही है। और यहाँ पे तितर शितर भी नजर आ रहे हैं, तितर भी छोड़े, शेर शूर तो नहीं छोड़ा छोड़ा यहाँ पे कोई? शेर है। ये मेल है फीमेल है तितर का? ये फीमेल है, फीमेल है। इसने अभी लेई की हुई है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको तंग किया था, इसके अंडे उठा दिए। अभी अंडे कहाँ रखे आपने? अंडे में केन में रखे, इस बार बच्चे निकलवाने। लास्ट टाइम हमने इसे तंग इतना किया था कि एग वगैरह खराब हो गए थे, मेरा ख्याल है। वो मेल भी बैठा हुआ नीचे, इसका मेल नीचे, वो मेल तो काफी बड़े साइज का। हाँ जी बराबर। अच्छा बॉक्स खोल के बच्चा दिखा सकते हैं क्या, इनके बच्चों की हाइट वगैरह क्या, मतलब हेल्थ किस तरह की जा रही है आपके पास? दिखाएं अहमद भाई, माशाल्लाह क्या बात है, ये भी रख दें। या मुझे ये बताएं कि अहमद भाई मैंने जब रखे थे ना वो पिंस वगैरह पेरेंट्स इसके खाने लगे थे, तो क्या बस यार माशाल्लाह, ये तो स्कूल है पूरा। हाँ जी अंदर स्कूल खुला हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह का कमेंट करो यार। चार बच्चे हैं इसके, इसके चार, और ये इसी के पेरेंट्स के हैं, वो पाल रहे हैं ठीक से। अच्छा अगर पिंस खाने लग जाए तो क्या हाल है उसका? पिंस खाना चलो इनको, पहले वो कैल्शियम वगैरह दें, ग्रेट वगैरह दें। अच्छा ठीक है, उससे फिर ये आके कोई समुद्री जाग का पीस लेके ना छोटा सा, वो बॉक्स के अंदर रख दें, कि अंदर जाके उसके आड़े लग दें बच्चे, वरना उठा लेने चाहिए आपको उस टाइम, बच्चे फोस्टिंग कर लेने चाहिए, फोस्टिंग कर देने चाहिए, नहीं तो बचना इनका मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और अहमद भाई आप मुझे बता दें सर्दियों में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, उसकी क्या वजह है? सर्दियों में अक्सर कॉकटेल ना बच्चे मार देता है। क्या वजह है? ये सर्दियों में नहीं, इसका यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होना, फिर सर्दियों में आप ब्रीड ले लें। कितना टेम्परेचर में ब्रीड लें? 30 डिग्री हो तो सबसे बेहतर है, 30 डिग्री हो तो सबसे बेहतर है। हाँ जी। अच्छा किसी के घर में जाते हैं ना
तो वहाँ पे ट्रे के अंदर बोतल आती है, कॉकटेल आती है। ये देखें जरा इधर ट्रे में क्या है, माशाल्लाह चेक करें। आहा, ये इन्होंने मुझे ला के सर्व किया भाई, ये ले। वो एक उड़ गया इनके ऊपर से बच्चा। इसके अंदर कॉमन व्हाइट, ये क्या कहेंगे, कॉमन येलो कहेंगे इसको, ये पेस्टल फेस है, पेस्टल फेस कहते हैं। ये देखें इसके टिक, देखें लाइट टिक होंगे ये, माशाल्लाह एक्टिव हो गया फुल मिनट पर, छलांग मार मार के इधर उधर जा रहा है। इसी तरह अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपने ऊपर से छींटे हटाई है, बाहर ओढ़ नहीं सकता, जाली लगाई है। अच्छा जाली, अभी बड़े सियाने जाली लगाई है, निकलने का कोई हल नहीं छोड़ा। तो ये इनकी होम ब्रीड है सारी, माशाल्लाह चेक करें। अच्छा मुझे ये बड़ा आपको सर्व करने वाला बड़ा अच्छा तरीका लगा। इसी तरह ये देखा जी। अच्छा इसमें और कौन सा बैठा हुआ है अहमद भाई? तीनों है बाकी, एक पेस्टल फेस है और बाकी चार इनो के। हाँ जी, दो पेस्टल फेस है। हाँ जी, ज्यादा वैल्यू है इसके पेस्टल फेस की, इनो इनो की, इनो की ज्यादा वैल्यू है, इनो और पैलो वगैरह की। सही। अच्छा अहमद भाई मुझे ये बताएं कि ये जो पिंक खा जाते हैं इसका क्या हल है रोकने का? मैंने आपको बताया कि एक तो उसका कैल्शियम पूरा करें पेरेंट्स का, ठीक है, ग्रेट वगैरह दें, सात दिन के अंदर ना बॉक्स के अंदर समुद्री जाग के पीस छोटे छोटे रखें, समुद्री जाग के पीस वो उसे खाएं, समुद्री जाग के पीस डालेंगे तो इजी हो जाएगा वो उधर अंदर बैठ के ना, वो उन्हें फिर खाना शुरू होगा। बच्चों का इससे लगता है खाने पे, वो ध्यान उनका उस पर, बाकी गंदम वगैरह ना ज्यादा देंगे ना। और ये खाना मांग रहे हैं? हाँ जी। कितने टाइम खाना देते हैं अभी? तीन टाइम दिखाएं जरा। ये समुद्री जाग भी आ गई, वैसे तो हर किसी को पता होगा लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता, हमें वो पकड़ना आजाद भाई, जिन भाइयों को नहीं पता उनको दिखाते चलें। बड़ी लाइट वेट थी है। हाँ जी। और एक टाइम पे तोतों का इतना ज्यादा ट्रेंड आया है, बड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, अभी भी एक्सपेंसिव है। अब क्या रेट जा रही है? 1200-1500 रुपये। पहले 150-200 बिकती होती थी, अब लेकिन जब तोतों की मार्केट वैल्यू बड़ी एकदम से, इसकी भी रेट बढ़ी। तो ये उस टाइम में 2000 तक चली गई थी। अभी भी जो अच्छे वाली ना बड़े साइज, इसी तरह लोग दे रहे हैं। कराची से फिर भी थोड़ी बेहतर मिल जाती, सस्ती मिल जाती, इधर बहुत तेज है। इधर तेज वो हमारे पापड़ मंडी में है ना, दून में उधर मिलती है, वहाँ छोटे पीस मिलते हैं। मैं भाई मेरा पेट भर गया, ये ले। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया खाने का। और हम लोग आगे चलते हैं, उस चीज़ें आपको दिखाते हैं। अहमद भाई हम इस तरफ चलते हैं और इनके पास ये देखें, ये मैंने कहा ना किंग ऑफ कॉकटेल, इधर चेक करें माशाल्लाह से। ये इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरे वास्ते बजाय पूरी गेम डाली हुई है। और ये कोई 2-4 महीने का शौक नहीं है। मैं भाई कितने साल से कर रहे हैं कॉकटेल का शौक आप? 16 साल हो गए हैं माशाल्लाह। 16 साल से आप कॉकटेल में है ना? कॉकटेल में भी है, लव बर्ड। लव बर्ड ये क्या चीज है? ये क्रीम फेस कॉकटेल है, क्रीम फेस। एम भाई इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे भेजें, यहाँ से नजर नहीं आ रही। वो देखिए उनके क्राउन वगैरह ना, इनो में क्रीम फेस है। इसके डोर को खोलें, ओपन करें डोर को। अरे ओके, ज्यादा डर है ना मेरे से जी। आप बताएं इसके बारे में। ये क्रीम फेस, उनके क्रोम देख रहे हैं, येलो कलर है, इनो में हल्का हल्का येलो शेड आ रहा है। ये क्रीम इनो म्यूटेशन खुद तैयार की है या ये मैंने बाहर से लिए? हाइब्रिड है ये मैंने बाहर से लिए है। ये बाहर से लिए हैं? हाँ जी। रजिस्टर्ड ब्रीड है, मतलब ये ब्रीड है। हाँ जी, सही है, ठीक है। और क्या म्यूटेशन आपके पास इसके अलावा? और बाकी फैलो वगैरह और इनो वगैरह। फैलो दिखाएं इसमें, फैलो कौन से आपके पास? फैलो उधर चले मगर आपको 140 वगैरह वापस बैग गेट डाले हम अपना 140। हाँ जी। अच्छा एक पाइट भी थे अहमद भाई? पाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें पाइट का जो है। ये बैठे हैं पाइट का जरा 148 में। पाइट की पहचान क्या है? इसके 1 स्पॉट होंगे ऊपर ना कमर पे, वो जो वी शेप में होते हैं। हाँ जी, ये वो देखें वो स्पॉट बना हुआ है, एक लकीर सी खींची हुई है ना दोनों तरफ। हाँ जी, सही है। इसमें वो फैलो भी भरे हुए हैं। फैलो दिखाएं, दिखाएं मतलब फैलो कौन सा? ये फैलो का पेड़ है, ये वी के बच्चे निकालता, वी फैलो में, वी फैलो के बच्चे निकालते हैं। वी का मेल है, फॉर्म पार्क में फीमेल है। फीमेल कौन सी है फॉर्म पार्क में? एक ये देखें, ये फैलो, ये 1 स्पॉटेड फैलो है। इसका खुले मेरा दरवाजा, ये 1 स्पॉटेड है, मतलब बेस साइड पे आता है स्पॉट। इसके ज्यादा डिमांड अब सबसे ज्यादा इसकी है, फैलो की। हाँ जी, इस टाइम इनकी हुई है। इनो से ज्यादा डिमांड है ना? ये इनो से ज्यादा, मगर इनो ज्यादा चलता है, इनो बाहर बहुत जाता है। इनो इसलिए चलता है कि वो सिंगल कलर में व्हाइट कलर है, व्हाइट की जाहिर सी बात है हमेशा व्हाइट चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। ये कौन सा है? ये भी फैलो है, ये देखें, ये 2 स्पॉटेड फैलो है। टूथ पॉलिश खोलें जरा, 2 स्पॉटेड, टूथ पॉटेड, सॉरी।
ये देखें जी 246 साइड हुआ जी। टेम है ये? नहीं टेम नहीं है। ये देखो नज़र आएगा, आ रहा है नज़र यहाँ से राइट साइड पे इसकी हमें जो सॉरी लेफ्ट के जो विंग पे है ना वो नजर आ रहा है। क्रोम इसका बहुत अच्छा ही है, वो जैसा क्रोम है, क्रोम कहते हैं ना इसको। हाँ जी क्रश वगैरह क्रोम, क्रोम बहुत अच्छा है इसका, माशाल्लाह बहुत बड़ा है और साइज भी बड़ा आपका बर्ड का अच्छा है। और वो आपको पत्तियाँ भी नीचे नजर आ जाएंगी जो मैं बता रहा था ना खिलाते हैं। और कौन सी कंडीशन इसी के अंदर? इसी में पड़े हैं कॉकटेल इनो 140 हॉटेल वगैरह। ये जर्मन कॉकटेल है। जर्मन कौन से हैं? ये वाले, ये ग्रे वाले, ग्रे वाले। वहाँ पे धूप है, उधर से नजर नहीं आ रहा, वो तो धूप है ना जरा। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, इसका क्रस्ट बहुत बड़ा है जो जर्मन है। ये इम्पोर्टेड है क्या लोकल है आपके पास? ये आपने खुद इम्पोर्ट किया था? ये मेरे एक दोस्त ने इम्पोर्ट किया था, हमसे परचेज किया। ये आपने परचेज किया होगा, ठीक हो गया।